राम राम। स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह और बड़ी खबर का रुख हम करते हैं चंडीगढ़ से। इस वक्त की बड़ी खबर जो कि जेजेपी के लिए झटके पर झटका है। अब तक 6 विधायक छोड़ चुके हैं जेजेपी का साथ और फिलहाल 2 और विधायकों ने, कुल मिलाकर 6 विधायकों ने अब साथ छोड़ दिया है जेजेपी का। रामनिवास तुर्जाखेड़ा और जोगीराम सिहाग ने भी इस्तीफा दे दिया। 1 हफ्ते के भीतर जेजेपी के 6 विधायकों का इस्तीफा। रामकरण काला ने बुधवार को कांग्रेस ज्वाइन भी कर लिया है, लेकिन अब तक कुल संख्या की अगर बात करें तो 6 विधायक हैं जिन्होंने जेजेपी का साथ छोड़ दिया। दुष्यंत चौटाला जो कि 90 सीटों पर लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, उनके लिए अब इस वक्त बड़ी चुनौती खड़ी हो गई और इसी वजह से उनके पार्टी के लोग ही, वो विधायक जो कि इस्तीफा दे रहे, वो भी उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो अपने विधायकों को नहीं संभाल सके वो चुनाव क्या लड़ेंगे, सरकार क्या बनाएंगे और सरकार में किंग मेकर की भूमिका कैसे निभा पाएंगे या खुद सीएम बनने का जो सपना है वो पूरा कैसे कर पाएंगे। ईश्वर सिंह ने कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ साथ अगर बात करें संख्या की तो कुल 6 लोगों की संख्या हो गई, 6 विधायक जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जेजेपी के 2 और विधायकों ने, जिसमें रामनिवास तुर्जाखेड़ा और जोगीराम सिहाग हैं, जिन्होंने जेजेपी का साथ छोड़ दिया। अब जेजेपी के लिए बड़ी चुनौती है कि वो अपने इन छोड़े हुए जो विधायक उनको छोड़कर चले गए, उनका विकल्प क्या तलाशेगी, इन नेताओं का विकल्प क्या उनके पास है क्या, क्योंकि दुष्यंत चौटाला इसके पहले जब उनके विधायक उनका साथ छोड़ रहे थे तो उन्होंने बड़े हल्के अंदाज में इस बात को कहा था कि जिसको जाना है वो जाएगा, जो हमारे साथ भी आए थे किसी को छोड़कर ही आए थे, लेकिन अब हम मजबूती के साथ एक नई टीम का गठन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस वक्त में चुनाव एकदम सिर पर आ गया, पहले ही चुनाव आयोग ने तय कर दिया कि चुनाव समय से पहले होगा और ऐन मौके पर अगर पार्टी का साथ उनके विधायक, वो विधायक जो कि मजबूत थे और वो विधायक जो कि बड़े मंत्रालय पद पर रहे या फिर उनका कद बड़ा था उनकी पार्टी में, वो विधायक भी उनके साथ नहीं खड़े हैं। अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला के लिए, दिग्विजय चौटाला के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर रहे हैं उनके खुद के विधायक। कुछ विधायकों ने कांग्रेस का दामन थाम भी लिया है और कांग्रेस में जाने का ऐलान भी कर दिया है। कुछ विधायक अभी भी फिलहाल पार्टी तो छोड़ चुके हैं, लेकिन किस पार्टी के साथ जाएंगे इसके बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती दुष्यंत चौटाला के लिए है। हालांकि दुष्यंत चौटाला से जब हमने ही बात की थी तो उनका कहना था कि 1 हफ्ते का आप समय दीजिए, 1 हफ्ते के अंदर आपको सारी तस्वीर साफ होना शुरू हो जाएंगी, आपके सामने पिक्चर क्लियर होगी। लेकिन उस 1 हफ्ते के भीतर उनके सामने जो पिक्चर खड़ी हुई है वो अपने आप में बहुत खतरनाक है, क्योंकि जो पार्टी के मजबूत कड़ी थे वही उनका साथ छोड़कर जा रहे। कुल 6 विधायक अगर उनके पार्टी के साथ नहीं है तो फिर नए कौन से लोग होंगे जो कि उम्मीदवार के तौर पर उनकी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेंगे, या पार्टी अगर उनको मौका देती भी है तो वो कितने मजबूत कैंडिडेट होंगे, कितने मजबूत दावेदार होंगे। क्योंकि कांग्रेस जहां दावा कर रही है और दावे में दम दिखाई भी दे रहा, कांग्रेस लगातार उन नेताओं को भी जोड़ रही है जो कि कल तक जेजेपी में थे या फिर अपनी तरफ से मजबूती से हिसाब मांगने का काम कर रही, उसका जवाब लगातार बीजेपी दे भी रही, लेकिन क्षत्रप दलों के लिए बड़ी चुनौती है। मेरे सहयोगी साहिल उखाया हमारे साथ जोड़ रहे हैं। साहिल, एक के बाद एक छठवां झटका। बिल्कुल अतुल, सही कहा, एक के बाद एक झटका। जो पार्टी 2019 के अंदर किंग मेकर के रूप में उभरी थी, आज उसकी स्थिति 2024 में कहीं ना कहीं उसके हालात जो है वो खराब जो है होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वक्त भी ऐसा है क्योंकि चुनाव की घोषणा जो है वो हो चुकी है, तो ऐसे में लगातार पार्टी के विधायक जो है वो छोड़कर जा रहे हैं। आज फिर जो है विधायक जोगीराम सिहाग ने जो है इस्तीफा दे दिया और इसके साथ साथ रामनिवास तुर्जाखेड़ा ने भी पद से भी इस्तीफा दे दिया है और पार्टी से वो पहले ही इस्तीफा जो है वो दे चुके हैं। तो लगातार एक के बाद एक विकेट जो है वो जेजेपी का गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब तक 6 विधायक जो है वो पार्टी जो है वो छोड़ चुके हैं। इसके साथ साथ आज जो 2 विधायक हैं इन्होंने अपने विधायकी पद से भी इस्तीफा दे दिया और पार्टी की सदस्यता जो सदस्यता है उससे भी इस्तीफा दे दिया। तो लगातार एक के बाद एक विधायक जो है वो जेजेपी का छोड़कर जा रहा है और 6 जो संख्या जो है वो अब तक पार्टी की जो है वो पार्टी में जो विधायक है वो छोड़ चुके हैं। अब 4 ही लोग जो है इस पार्टी के अंदर बचे हैं, चाहे वो विधायक नैना चौटाला की बात की जाए, दुष्यंत चौटाला की बात की जाए, रामकुमार गौतम की बात की जाए या फिर अमरजीत ढांडा की बात की जाए। रामकुमार गौतम जो है वो लगातार अपनी ही पार्टी पर मुखर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी सूत्र ये भी बता रहे हैं कि वो भी आज या कल के अंदर इस्तीफा जो है वो दे सकते हैं। तो ऐसे में लबोलुआ भी ये निकाले साहिल कि जो 4 नाम आपने बताए उसमें तो 2 तो परिवार के ही हैं जिनकी पार्टी है,
दादा गौतम की बात आप कर रहे हैं, वो पहले से ही नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, खुलकर वो नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, अब बचा एक और नाम, तो कुल मिलाकर क्या माने कि हाँ जल्द ही बस वही परिवार के ही दो लोग रह जाएंगे? बिल्कुल, जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि रामकुमार गौतम का भी इस्तीफा किसी भी वक्त जो है वो आ सकता है, क्योंकि देखा होगा कि जिस तरीके से रामकुमार गौतम जो है वो अपनी पार्टी के जो बड़े लीडर थे दुष्यंत सिंह चौटाला, उनके खिलाफ हर बार मुखर होते थे, उनके खिलाफ बयानबाजी करते थे, तो कहीं ना कहीं वो पार्टी लाइन से हटकर जो है वो कहीं ना कहीं अपनी ही जिस तरीके से बयानबाजी जो है उनके द्वारा की जाती थी और पार्टी की ओर से जो मीटिंगें बुलाई जाती थी उसमें भी वो हिस्सा नहीं लेते थे, और कई बार उन्हें बीजेपी के जो पार्टी की मीटिंग होती थी उसके अंदर भी देखा गया है। तो ऐसे में अब जल्द ही बताया ही जा रहा है कि रामकुमार गौतम भी जो है वो इस्तीफा दे सकते हैं, उसके बाद तीन विधायकों की संख्या जो है वो जेजेपी की रह जाएगी, चाहे वो दुष्यंत चौटाला की बात की जाए, उनकी माता नैना चौटाला की बात की जाए, और तीसरे विधायक अमरजीत हांडा, तीन विधायक रह सकते हैं अगर रामकुमार गौतम की ओर से इस्तीफा दिया जाता है। तो फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि लगातार ये राजनीतिक तौर पर कितनी बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है दुष्यंत चौटाला के लिए, उनकी पार्टी के लिए, क्योंकि एक ऐसा नेता जो आते हैं अपनी पुरानी पार्टी से अलग होते हैं और अपने दम पर ये 10 विधायकों को जीत दिलाकर और फिर सरकार में भी 4.5 साल रहते हैं और फिर अगला चुनाव आते आते ये गति या दुर्गति हो जाती है राजनीतिक तौर पर, उनके लिए भी और उनकी पार्टी के लिए भी और कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी असमंजस वाली स्थिति हो गई। बिल्कुल, राजनीति तौर पर अतुल अगर माने तो इस वक्त पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका इसे कहा जा सकता है, क्योंकि 2019 से पहले बनी पार्टी, क्योंकि जब इनेलो एक परिवार हुआ करता था तो कहीं ना कहीं ये बातें सामने आती थी कि 19 के अंदर जो है परिवार एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा तो कहीं ना कहीं इनेलो की सरकार जो है वो आ सकती है, लेकिन किसी कारणवश 2019 से पहले परिवार में झगड़ा हो जाता है, इनेलो और इनेलो जो है वो टूट जाती है, और इनेलो से टूट कर जो है दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला और उनके अजय सिंह चौटाला जो है वो एक नई पार्टी जो है वो बनाते हैं, और उसके बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में किंग मेकर के रूप में ये पार्टी उभरती है, 10 विधायक जो है वो विधानसभा पहुंचते हैं, और उसके बाद बीजेपी के साथ इनका अलायंस होता है और दुष्यंत सिंह चौटाला जो है वो उप मुख्यमंत्री बनते हैं और उनकी जो पार्टी के विधायक है उन्हें मंत्री बनाया जाता है, और उसके बाद 4.5 साल तक जो है सरकार के साथ रहने के बाद जो है वो अब जो 2024 का विधानसभा जैसे ही नजदीक आया और चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है, और उसके बाद लगातार पार्टी टूटने का सिलसिला जो है वो जारी है। और बिल्कुल, अब साहिल जरा राजनीतिक परिस्थितियों पर हम जब चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं, जिस वक्त इस पार्टी का उदय हो रहा था उस वक्त बीजेपी से पूरी नाराजगी लोगों में नहीं थी, कांग्रेस पर पूरा भरोसा नहीं था, और इसी वजह से एक नए विकल्प को लोगों ने चुना कि नहीं, ये एक युवा चेहरा है और इन पर अगर हम भरोसा करेंगे तो शायद बात बनेगी। हालांकि कांग्रेस ने भी अच्छा परफॉर्म किया, बीजेपी ने बढ़िया परफॉर्म किया, लेकिन 10 सीटों का जो गेम था उसमें किंग मेकर बन गए दुष्यंत चौटाला। अब इस वक्त टिकट बंटवारे का जब दौर शुरू हो रहा, 2500 से ज्यादा आवेदन कांग्रेस के पास है, बीजेपी भी अपनी लड़ाई पूरी लड़ रही है, उस वक्त में क्षत्र पार्टियों के लिए जो आवेदक हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो ढूंढना मुश्किल हो रहा है, और वैसी परिस्थिति में अगर ये टूट हो रही है तो जेजेपी के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल, लाजमी है, क्योंकि अतुल जिस तरीके से 2019 के अंदर दुष्यंत सिंह चौटाला जो है एक युवाओं के लिए एक ऐसा मैसेज दे रहे थे कि क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए, आपने जिक्र भी किया 2019 का, क्योंकि लोग काफी नाराज जो है उस वक्त देखे गए थे, तो विकल्प के तौर पर जो है उन्होंने जो है जननायक जनता पार्टी को प्रदेश की जनता ने 10 सीटें देकर विधानसभा भेजा, और उसके बाद कहीं ना कहीं काफी उम्मीदें जो है वो सिंह चौटाला को खासकर युवाओं से थी, लेकिन जिस तरीके से सरकार के साथ गठबंधन चलता रहा, जब 3.5 साल 4 साल हुए, तो कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो उन लोगों में देखी गई जो दुष्यंत सिंह चौटाला के जो उनको सपोर्ट करने वाले थे, चाहे वो उनके हलके की बात हो या फिर और भी जो इनके वोटर्स थे, उनमें काफी गुस्सा जो है वो देखने को मिला। तो ऐसे में अब स्थिति कहीं ना कहीं वो अलग होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पार्टी जो है वो पूरी तरह से टूट चुकी है, 4 विधायक जो है वो पार्टी के अंदर
बचे हैं जिनमें से दो पारिवारिक मेंबर है और दो कहीं ना कहीं और जिस तरीके से रामकुमार गौतम का जिक्र किया मैंने और जो अमरजीत सिंह ढांडा का जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं अब अगर रामकुमार गौतम इस्तीफा देते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। दूसरी तरफ जननायक जनता पार्टी जो है अपने उम्मीदवार तलाश रही है, टिकटें किसको देनी है इस तरीके का एक पैनल जो है वो बनाया जा रहा है। दुष्यंत सिंह चौटाला कह चुके हैं कि दिसंबर के पहले सप्ताह में पहली सूची जो है उनकी जारी कर दी जाएगी, लेकिन सूची जारी होने से पहले इस तरीके का झटका कहीं ना कहीं पार्टी के लिए काफी घातक बहरा। लेकिन इस बात का आभास भी था दुष्यंत चौटाला का, जिसका जिक्र जो आप कर रहे थे अभी, उसके पहले हमने भी जब उनसे बात की थी साहिल, उस वक्त में भी उनका यह कहना था कि 7-8 दिन का आप इंतजार करिए, सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन उस इंतजार की घड़ी में ये जो झटके उनको लगे हैं, शायद मुझे लगता है कि थोड़ा विलंब हो सकता है सूची आने में, वैसे उनकी पार्टी का विषय। बहुत शुक्रिया साहिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जेजेपी के लिए बड़ा झटका है, एक के बाद एक 6 विधायकों ने साथ छोड़ दिया और 6 के 6 बड़े नाम थे और मजबूती के